सुबह के बज चुके हैं 6:15 और हम जा रहे हैं मध महेश्वर से 2 किलोमीटर ऊपर जहाँ है बूढ़ा मध महेश्वर। एक आध दो लोग ऊपर दिख रहे हैं, हमें वहीं से जाना है। और चारों तरफ पहाड़ियों में बर्फ गिर चुकी है। यहाँ का भी माहौल कुछ वैसे ही था रात में, लेकिन सुबह होते होते माहौल जो है नॉर्मल हो गया, लेकिन बादल अभी भी है और कुछ पर्वतों के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। अब ऊपर कैसा होगा वो तो ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा। मेरी सर्दी की वजह से मेरी आवाज़ जो है साफ नहीं आ पा रही है। ये रहा मधमेश्वर मंदिर, और कुछ लोग और दिखाई दे रहा है जो ऊपर आ रहे हैं। देखते हैं हम कब तक पहुंचने में सफल होते हैं। आखिरकार लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद हम ऊपर पहुंचे हैं, और ये बूढ़ा केदार की सॉरी बूढ़ा मधमेश्वर की चोटी है, और यहाँ शायद मंदिर है। बादल छाए हुए हैं इसकी वजह से जो यहाँ चौखंबा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा बादलों की वजह से। चलो कोई बात नहीं, हम मंदिर के दर्शन कर लेंगे, उतना ही पर्याप्त हो गया हमारे लिए, अब इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। यहाँ इस चोटी पे थोड़े थोड़े एक छोटे छोटे कुछ तालाब दिखाई दे रहा है, एक और दो मंदिर के पास। जब सनराइज होता है तब चौखंबा में पड़ती किरणें, उसकी जो प्रतिमा होती है उसे यहाँ पे इस तालाब में रिफ्लेक्ट करती हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती हैं। अफसोस कि आज बादल है तो हमें वो दिखाई नहीं देगा। तो हम मंदिर के दर्शन करते हैं और अपनी यात्रा को सफल बनाते हैं। जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय। चौखंबा पूरी तरह से बादलों के पीछे ढका हुआ है, तो उसका रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे दिखेगा नहीं। हम अपनी यात्रा को यही समाप्त करते हैं, निकलते हैं। काफी भाई लोग कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही किसी को। अरे पीछे का दृश्य चंद्रशिला दिखाई दे रहा, 100% चंद्रशिला ही है। और ये पहाड़ों से छनकर आती हुई सूर्य की किरणें काफी अद्भुत छटा और सुंदरता प्रकृति की। ये देखिए पहाड़ों में चौखंबा बाहर आते आते फिर छिप गया, एक आस धरा के फिर चला जा रहा है, हम लोग के सब्र का इम्तिहान ले रहा चौखंबा।
आते ही जो दृश्य दिखाई दिया वो ये रहा, बादल, दूर तक बादल, बादलों के भी ऊपर है। बादलों से छटके आती हुई रोशनी, सूर्य किरणें, सारी थकान खत्म हो गई आने आने की। थोड़ा सा और देखिए, जहां तक नजर जा रही खाली बादल दिखाई दे रहे हैं, ये चंद्रशिला।